हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास टेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसमें पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा टॉपिक है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये दो बातें जान लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने में, करेक्ट बच्चों? और ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। कब? जब एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक बार इसे देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन जल्दी से। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक्स वन वाई वन एक पॉइंट ले लिया और ये यहाँ पर एक्स टू वाई टू दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ये डिस्टेंस। सपोज दैट ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? ए भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस एक्स वन और ये डिस्टेंस इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से क्या हो जाएगी? एक्स टू हो जाएगी, करेक्ट? ऐसे बच्चों y एक्सिस पर देखते हैं, तो ये डिस्टेंस y1 और ये डिस्टेंस हो गई y2, करेक्ट? चलो, तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट C है, तो ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हेयर द हाइपोटेनस इज ए बी, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड ए सी, ए सी क्या होगा बच्चों, देखते हैं ए सी। ये पूरी डिस्टेंस क्या है? एक्स टू, और ये डिस्टेंस क्या है? एक्स वन। तो ए सी हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। बी सी क्या होगा? ये पूरा क्या है? y2, और ये डिस्टेंस क्या है? y1। तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस, सपोज दैट 7,13 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 10,9। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या हो गया? x1, ये y1, ये क्या हो गया बच्चों? x2, ये क्या हो गया? y2। ठीक है, तो चलिए अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस 13 होल स्क्वायर। तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, ये क्या आ गया बच्चों? 25, एंड अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पता चल गया कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड होगी। जल्दी से एग्जांपल और देख लेते हैं, माइनस 4,7 एंड 2,-5। चलिए अंडर रूट 2 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस को क्या हो गया? प्लस हो गया,
तो 6 स्क्वायर प्लस 7 और 5 12, तो -12 स्क्वायर, ठीक है, 36 आ गया, और ये कितना आया 144, ठीक है। तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो गया 180, अंडर रूट 180, ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जब हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब भी हम आगे भी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक इसमें बता देता हूँ कि आपको माइनस प्लस करने से आप बच जाएंगे, आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। देखिए कैसे, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे तरीका क्या है। और ये तरीका, ये मेथड कब फॉलो होगा, जब x1 y1 x2 y2 ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, कोई भी अननोन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो हम चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया -4, 3 और 2, 1, ठीक है बच्चों, इन दोनों को भी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर x का कोऑर्डिनेट आप देखिए और यहां पर x का कोऑर्डिनेट आप देखिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो बच्चों जब भी डिफरेंट साइन होंगे, जब भी डिफरेंट साइन होंगे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 4 और 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस 3 और 1 सेम साइन है या डिफरेंट साइन, सेम साइन है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 माइनस 1 कितना बच्चों 2 का स्क्वायर, तो 36 और ये 4, दिस इज अंडर रूट 40। फॉर्मूला आपने यूज किया है पर थोड़ा सा अपने जो आपका टाइम था आपने बचा लिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे -5, 2 and 1, -4। तो देखिए -5 और 1 डिफरेंट साइन, तो ऐड कर दो, 5 और 1 ऐड किया क्या आया 6। ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय आप साइन भूल जाना, थोड़ी देर की आप साइन को भूल जाना, 5 और 1 कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस -4 और 2 कैसे साइन है डिफरेंट, ऐड कर दो, 4 और 2 कितना हुआ 6 का स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 36, अंडर रूट 72 को आप आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6√2 आएगा, सॉल्व करना सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसी पे और हम एक दो अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं एक बार देख लेते हैं। कभी कभी जनरली हमसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 6, -6 एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन बच्चों होता है 0, 0, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स में, 1 मार्क्स में। चलिए तो अंडर रूट 6 और 0 इसका डिफरेंस या सम 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस -6 और 0, तो -6 का स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 36, सेम क्वेश्चन, अंडर रूट 72, ठीक है बच्चों। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 3, -1 and 1, 11, y is 10 unit। y की वैल्यू पूछ लिया और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए फटाफट देखते हैं। यहां पर ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11, y एक पॉइंट है हमारे पास और 3, -1 है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट, वो क्वेश्चन में गिवन है।
तो कभी भी अननोन आपसे तभी पूछेगा जब डिस्टेंस गिवन होगा। अगर डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई भी अननोन नहीं होगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन बने बच्चों, ध्यान देना। पहले टाइप के क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में सारी वैल्यूज क्या हो पता हो, नोन हो, तो वहां पे क्या पूछेगा आपसे, डिस्टेंस पूछेगा। और दूसरे टाइप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहीं भी एक अननोन आ गया, क्या आ गया, अननोन आ गया, तो ये आपसे पूछ लेगा और डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या गिवन होगा, डिस्टेंस। तो पहले टाइप का भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, दो तीन क्वेश्चन किए जहां पर सारी वैल्यूज क्या है, नोन है, पता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन में कोई अननोन वैल्यू है वो फाइंड करना है, और दिया क्या है, डिस्टेंस दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट है बच्चों, 11, y और 3, -1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 10 यूनिट दी है। कितनी दी है बच्चों, 10 यूनिट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी है, 11, x2 की वैल्यू कितनी है, 3, दोनों सेम साइन है, तो 11 माइनस 3 कितना हुआ, 8, 8 स्क्वायर प्लस y और -1 अलग अलग साइन है तो ऐड हो जाएगा, y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है, दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 64 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद y कॉमन लिया तो y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लिया तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ से y प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू आया बच्चों 5 और क्या आया, माइनस 7, ये दो वैल्यू आई, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स हमारे आ गए 11, 5, 11, 5 और 11, -7। समझ में आया, हमने क्या अप्लाई किया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। और एक दो क्वेश्चन आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ प्लीज नोट करिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम 1, 0 एंड 9, 0, 1, 0 एंड 9, 0, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपको, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसका मतलब किस फॉर्म में होगा, वो बच्चों x, 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में होगा। तो बच्चों प्लीज आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन और लगाइए जो लास्ट 2-3 ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और आप अपनी बुक से भी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ और एक दो क्वेश्चन बताने के बाद सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो की हेल्प से इसका डेरिवेशन आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का, और डिस्टेंस फॉर्मूला को आप और क्वेश्चंस में अप्लाई करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।